जी मिसेस रेहान बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ। जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और आप जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पर पहुँचे। थैंक यू। व्हाट? माय गॉड, ये पेट्रोल भी अभी खत्म होना था यार। अब मैं क्या करूं? भाई को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो जुबैर भाई, कहाँ हूँ? मैं तो ऑफिस में हूँ, क्यों खैरियत है? नहीं, मुझे सिटी हॉस्पिटल से कॉल आई थी, रेहान का एक्सीडेंट हो गया है। ओहो। मैं घबराहट में जल्दी जल्दी निकली हूँ घर से, तो मैंने गाड़ी में पेट्रोल चेक नहीं किया। तो मुझे लोकेशन सेंड कर दो। मैं इस टाइम हाईवे पे हूँ, मेरा यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं एक डेढ़ घंटे में पहुँच रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत सुनसान रास्ता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप आओ, जल्दी आ जाओ। आई एम जस्ट कमिंग। ओके। इतना सुनसान रास्ता है, मैं क्या करूँ? भाई को आते भी इतना टाइम लग जाना है, पता नहीं रेहान कैसे होंगे। ओह माय गॉड, ये कौन आ रहा है? एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? आप यहाँ पे इतने सुनसान रास्ते पे खड़ी हैं? वो भाई, मेरी गाड़ी के पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ से पेट्रोल पंप 4 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी बहुत सुनसान है। ये आपके पास कोई खाली बोतल है? पता नहीं, मैं देखती हूँ। देखें जरा। ये ले। एक मिनट वेट करें बस। आप पेट्रोल टैंक ओपन करें, मैं पेट्रोल डालता हूँ उसमें। पेट्रोल मैंने डाल दिया है, अब इतना है कि आप पंप तक इजीली पहुंच सकती हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी मामा। जी, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, वो छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया था तो किसी की हेल्प कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, टेक टेक। मेरी बात सुने, ये आप रख लें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये आप अपने पास रखें। नहीं नहीं प्लीज। हाँ, मेरी बहनों जैसी हैं, ये मेरा फर्ज था। बस नेक्स्ट टाइम घर से निकलने से पहले पेट्रोल चेक कर लिया करें। खुदा हाफिज़। बेशक हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हमारे माशरे को ऐसे ही बाकिरदार मर्दों की ज़रूरत है जो अपनी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना जानते हों, ना कि किसी मौके की तलाश में होते हैं। उस माँ को सलाम जिसकी तरबियत ने ऐसा नौजवान पैदा किया।